दोस्तों, दिल्ली में जल जमाव की समस्या जो बरकरार है और उससे जो दिल्ली के आम जनमानस को जो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन दुखद ये है कि जिनको चिंता होनी चाहिए, उन अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जरा चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से लगातार दिल्ली के कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाती रही है और उनमें अत्यंत महत्वपूर्ण है दिल्ली में होने वाला हर साल का जल जमाव, जिसपे अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और कोरोना से ऐसे ही दिल्ली परेशान है, ऊपर से जल जमाव की मुसीबतों में दिल्ली को भयानक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है और ठोस नीति बनाने के लिए सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है, ऐसी हमारी मांग है। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, दिल्ली में ऐसे कितने स्थान हैं जहां हर साल ऐसे जल जमाव होते हैं और 5 साल में अरविंद भाई आपने कौन से ऐसे उपाय किए हैं जिनसे इसका समाधान हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल जी को हर समस्या से भागने की आदत हो गई है। दिल्ली को इन समस्याओं से निजात दिलाना बहुत जरूरी है। दिल्ली को लंदन बनाते बनाते रह गए, पेरिस बनाते बनाते रह गए, छोड़िए सरकार, दिल्ली को दिल्ली कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, मीडिया के समक्ष सांसदों को बुलाइए, विधायकों को बुलाइए जो हर पार्टी से हो, और एक ऐसी ठोस नीति बनाया जाए जिससे दिल्ली को राहत मिले। ये दिल्ली की जरूरत है, समय की मांग है। जैसे हमने कोरोना के समय केंद्र और राज्य मिलकर के कितना अच्छा निदान निकल गया, वैसे ही निदान दिल्ली में निकलना चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन कर रहे हैं, जो इस समय दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण मांग है।